मुंबई में वोट डालने के बाद पत्नी संग पहुंचे फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा कि चौथे चरण का मतदान आज पूरा हो जाएगा। वो मुंबई में मतदान कर गोरखपुर पहुंचे हैं। चौथे चरण में भी मोदी और योगी जी की लहर नहीं बल्कि सुनामी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बंपर वोटों से जीत कर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। रवि किशन के साथ आई उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा कि उन्हें गोरखपुर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। टीवी पर उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है, उनके पति को भारी सपोर्ट मिल रहा है। वो योगी जी की सीट है और हमेशा रहेगी। उनके पति सेवा के भाव से यहां पर आए हैं। प्रीति शुक्ला ने उनके रवि किशन का फेवरेट डिश बाटी चोखा है। रवि किशन अपनी पत्नी प्रीति शुक्ला के साथ गोरखपुर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें यहीं रहना है और प्रीति अब यहां पर उनका घर संभालेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रवि किशन और उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा, बहुत अच्छा रहा, मतदान किए और बहुत ही खुशी हुई और उत्साह दिखा हर जगह। मोदी जी का उत्साह है, हर जगह मोदी जी लड़ रहे हैं, हर सीट पर मोदी जी लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी जी योगी जी लड़ रहे हैं, यही उत्साह मुझे जहां जा रहा हूं वो मिल रहा है। फ्लाइट में हूं, उतर रहा हूं, मोदी जी उत्तर प्रदेश में आओ, मोदी जी योगी जी, मोदी जी योगी, ऐसे लग रहा बस यही लोग लड़ रहे हैं। और बाकी हम लोग चौकीदार बन के उनके बारे में बस सब लोगों के घर द्वारे गांव जाके सबको प्रणाम कर ले, हम लोग इतना भी कर लें तो बहुत है। लेकिन बहुत कमाल, कमाल का सुनामी है, मोदी जी की इस वक्त सुनामी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार एक ऐतिहासिक जीत की ओर जा रही है। कथनी और करनी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई अंतर नहीं रखा, उनके कर्म जीत रहे हैं। उन्होंने 5 साल में जो कर दिया, इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। गरीबों को उनके लिए ऐसा मसीहा मिला ये सोच ही नहीं सकते हैं। देश का पैसा कैसे देश के काम में आता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने बता दिया। आज आपके साथ प्रचार में भी, हमने मकान ले लिया है तो हमारा पूरा रसोई संभालेंगी, प्रचार में जाएंगी, अब यहीं रहना है तो हम बोले अब तुम गोरखपुर को जान लो और ये आ गई अब यहीं रहने के लिए, यहीं बसने के लिए। कितने वोटों से जीत रहे हैं? कितना वोट से जीता थे वो? कितना प्रमुख जी? का कितना वोट से जीता थे? और जोर से बोल बा, हम के काम आ लो। का वो कितना वोट से जीता था? ये मोदी जी योगी जी का कर्म बा, ये योगी पूज्य योगी महाराज के कर्म बाटे। हमने तो कुछ नहीं किया, ये सिर्फ कमल के फूल का जादू है, ये मोदी जी के चेहरे का जादू है, योगी महाराज के चेहरे का जादू। आप है प्रीति शुक्ला, आप पहली बार आ रही हैं, प्रचार भी करेंगी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी कर रहे हैं तो उसमें कोई संकोच करने का कोई बात नहीं, बस मोदी जी के लिए है, मोदी जी के कर रहे हैं। योगी की यहाँ से निकल गई है, आगे भी उन्हीं के लिए है, खड़ा हूँ लेकर आए हैं, हम आए हैं यहाँ पर। योगी महाराज को कितना लगता है कितने वोटों से? वो तो जनता बताएगी कितने वोटों से हमें जिताएगी, उन पर है, उन पे निर्भर करता है। सहयोग साथ में आए हैं इनके, पूरा सहयोग है। गोरखपुर की जनता कितना साथ में दिख रही है आपको? अभी तो अभी तो आए होगा मुंबई में, अभी काहे घेर रहे हैं? बहुत घेर रही है, पहला दिन है आज इनका। रवि किशन जी क्या बोले? समय का है खाली, समय खाने का है नहीं, बस अपना जंग लड़ने आए हैं वही करेंगे। कुछ अब लोग यहाँ के खिलाएंगे, हमें जिताएंगे, हमें बस नहीं, इनका कोई आशीर्वाद चाहिए, इनका कोई इनका फेवरेट डिश लिट्टी चोखा, तो आप बनाएंगे? हाँ जरूर बनाएंगे। चला चला जी, हरा हरा।